आप
एक मिनट शाम कौन कौन रोज प्राणायाम करते हैं? कौन कौन रोज रेगुलर कर रहे हैं? मिस नहीं करते, सिर्फ एक योगा पद्धति के विषय में बोले हैं। योगा का मतलब योगा चित्त के अंदर जो भी चित्तियां हैं इसको विरोध करने का, इसको समाप्त करने का एक योग का कर्म से कौशल है। कर्म को अच्छा बनाने के लिए योग की तरीका है। हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर जो भी टेंशन है, जो भी बीमारी है, इसको समाप्त करने के लिए कहां हम घूम रहे हैं? जो हमारे अंदर ही है, सिर्फ कुछ अभ्यास करें तो इसको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ कुछ अभ्यास, कुछ दिनों तक अगर अभ्यास करें, एक दिन भी अगर आप मिस करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हैबिट हो जाएगा। कोई तकलीफ होता है नहीं, कहाँ पे तकलीफ होता है?
शरीर के अंदर क्या होता है, तो इस सांस को बाहर छोड़ते हैं और सांस को लेते वक्त यहाँ जो थ्रोट है इसको थोड़ा सा क्विंच करते हैं और धीरे धीरे सांस लेते हैं। जब सांस लेंगे तो यहाँ एक वाइब्रेशन होगा, यहाँ एक वाइब्रेशन होगा, इस वाइब्रेशन के द्वारा आपका थ्रोट यहाँ एक लैरिंग्स अब लाने से जो एक लैरिंग्स है ट्राकिया है जैसे लॉन्ग्स के साथ जुड़े हुए ऑर्गन्स। अब यहाँ थायराइड क्या है, तो ये थायराइड को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है ये ऊर्जा। बहुत लोगों का थायराइड की प्रॉब्लम हो रहा है तो ये थायराइड को ठीक करने के जैसे कि किसी का ज्यादा कोई भी ज्यादा ओबेसिटी ज्यादा हो रहा है मोटापा हो रहा है कोई वेट लॉस हो रहा है किसी का और किसी का हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये सारे केसेस में ये ऊर्जा ही कारण हो जाता है। और डायबिटीज को भी सबसे अच्छा है जो मैं इसको क्लियर कर देंगे जो भी कारण है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसको क्या करेंगे, पहले दिन दो दिन करेंगे पूरा करेंगे, श्वास को अंदर करना पूरा करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ना अनवेचक प्राणी की यह भाषा में रेचक करेंगे और श्वास को अंदर भर के रखना अब क्या करेंगे, पहले भरेंगे पूरा करेंगे और कंप्लीटली रेचक करेंगे बाहर छोड़ देंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए थ्रोट को स्विच करके हाइब्रिड तो चले। एक बार ध्यान मुद्रा नहीं वायु मुद्रा में बैठ जाए, वायु मुद्रा में ध्यान बैठ जाए दोनों हाथों में श्वास लीजिए एक बार दे दीजिए आप फिर नेक्स्ट टाइम आपको डायनापुर के गांव के प्रति बाबा छे
फिर अभी शुरू करेंगे और एक प्राणायाम। एक प्राणायाम है बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसको शीतल भी बोलते हैं। शीतल शीतल इसलिए है कि हम शरीर को शीतल बनाए, मन को, ब्रेन को और ये सारे शरीर को शीतल बनाते हैं, इसलिए इसको शीतल प्राणायाम कहते हैं। तो जीव को थोड़ा सा स्क्वीज करके हवा लेंगे जीव से और नाक से छोड़ेंगे, तो क्या होगा, हवा लेंगे तो पुलिंग होगा, पूरा पुल हवा होगा और वो शरीर का अंदर जाएगा, सारा शरीर को ठंडा बनाएगा। जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और थोड़ा सा फिलफिलापन भी होता है, इसे गर्मी के कारण बहुत लोगों को फिलफिलापन होता है, इसी समय अगर इसको आप स्नान करें तो मन और शरीर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इसका नाम क्या है, शीत। तो जिनको जब प्राणायाम करेंगे ना तो मन शांत होकर करना है। शांत होकर किसी क्या होगा, माइंड और शांत होगा, जितना शांत होकर हम करेंगे ना शरीर में अपना इफेक्ट और जब एक्सरसाइज करेंगे तो मन शक्तिशाली होना चाहिए। आसन करते वक्त और एक्सरसाइज करते वक्त मन शक्तिशाली होना चाहिए और प्राणायाम करते वक्त मन शांत होना चाहिए। शांति की शक्ति जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत काम में आता है। जब जब हम शांत रहते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे अच्छा रहता है, निरोगी रहता है, इसलिए इसको शांत रहने अभी भी करेंगे। छोटा सा प्राणायाम है और बहुत अच्छा प्राणायाम है सभी के लिए, कर्म योगा का, कर्म योगा। इसमें क्या होता है, कान की जो बीमारी है वो ठीक हो जाता है और माउथ के अंदर जो भी है, दांत के लिए है, जीभ के लिए है, ये जो सॉफ्ट कलिंग का प्लेट है इसके लिए है और कान के लिए, ये सभी के लिए कर्म योगा का प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो क्या करेंगे, श्वास अंदर लेंगे और नाक बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे और जोर से फूंकेंगे। जब फूंकेंगे तो क्या होगा, हवा कान से निकलेगा, जब हवा कान से निकलेगा तो कान क्लीन करके और निकलेगा। तो कैसे करेंगे, पहले हम बताते हैं कि आप सांस अंदर भरें, किसी के साथ एक काम सुनिए और
दिमाग पूरा होता है, अंदर मन शांत है। अभी